केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पिछले महीने में गेहूं की मंजूरी दे दी है। लगभग 350 से 400 अनुसार फसल क्विंटल तक की बढ़ोतरी 2025 से 26 के बाजार में रबी फसलों के न्यूनतम भाव एमएसपी 1750 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 3400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी में गेहूं सरसों और चना के एमएसपी में भी इजाफा करने को स्वीकृति दी। व्यापारी 3000 टन से सीजन की प्रमुख फसलों में नहीं कर सकेंगे। चना और सरसों के व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित की गई। अच्छी मानसूनी बारिश के नागरिक इस बार खरीफ सीजन में धान संरक्षण विभाग ने भंडारण और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक सूचना जारी कर दी है। अब अक्टूबर से गेहूं 31 मार्च और 2025 अन्य रबी फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है। को सरकार को गेहूं स्टॉक की जानकारी किसानों को अच्छी कीमत देने के नियमों का उल्लंघन करने पर स्टॉक बड़ी घोषणा करते हुए यूरो समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दरों में बढ़ोने के ऐलान किया है। उत्पादक राज्यों की सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने मार्केट की कीमतों में तेजी मजबूती का माहौल बनने से रबी फसलों के लिए एमएसपी चना पर स्टॉक लिमिट लागू करने पर विचार कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 150 रुपए न्यूनतम समर्थन बढ़ोतरी को मंजूर 440 रुपए प्रति क्विंटल के लिए पहले 2275 रुपए एमएसपी थी। घरेलू इसे बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल करने से चना की सप्लाई कम हुई है। कैबिनेट ने गेहूं के अलावा देश में दलहनों के कुल उत्पादन में चना का योगदान 50% के करीब रहता है। सरसों के लिए एमएसपी में देसी चना के प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाई पहले ही दे चुकी है, लेकिन घरेलू बाजार पर इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ रहा है। इससे पहले 2022 के पास चना का स्टॉक कम रह गया है और इस बार सरकारी खरीद भी बहुत कम हुई है। 400 रुपए की बढ़ोतरी प्रदेश एवं राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक प्रांतों में चना का भाव बढ़कर 7200 से 7300 रुपए चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। जबकि सूत्रों के अनुसार इसमें ज्यादा 2025 से 26 के लिए चना का एमएसपी हाल के वर्षों में पहली बार चना का दाम 5650 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंचा है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चना का उत्पादन 5231 लाख 60,000 टन रह गया। 24 उद्योग व्यापार क्षेत्र का मानना है बढ़ोतरी के साथ उत्पादन 100 लाख टन से भी कम हुआ है। ऐसे में अब बाजारों में ये चर्चा है कि जल्द